इंडिया टीवी आपकी आवाज। बड़ी खबर पर आपको अपडेट दे दें। मथुरा के नंदगांव में मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही गंगा जल से मंदिर का कैसे शुद्धिकरण किया गया उसकी तस्वीर इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। गंगा जल से मंदिर को धुलने के बाद हवन भी किया गया। 2 तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर जब लोगों ने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी, दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब मंदिर का शुद्धिकरण हुआ। नमाज पढ़ने के आरोपी फैजल खान की भी सफाई पूरे मामले पर सामने आई है। दिल्ली के फैजल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो कृष्ण भगवान का भक्त है और 84 कोसी परिक्रमा पर निकले थे। मंदिर के अंदर अपनी आस्था उन्होंने दिखाई। देखिए, सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 को उस पर निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये हैं मोहम्मद चांद, वो हैं नीलेश। हम लोग सद्भावना हो हाँ, इसके लिए रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जानन हा। तो प्रेम है, यही धर्म है। देखिए आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं, उद्धव और अस्कान में क्या था, उद्धव और श्री कृष्ण, उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया। और यही इस्लाम धर्म में भी प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा, खैर उन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो दाढ़ी के, मैं यन फाउन नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो वो अच्छा है। यही धर्म का मेन मतलब है, धर्म न दूसर सत्य समान। तो आपको कितने दिन हुए दिल्ली से? आज हमें 5वां दिन है और हम पूरी 84 कोस में दे रहा हूं मैं। क्या लेने आए हो? तो हमने कहा देखो, इस वक्त दुनिया में सब कुछ है, इंजीनियर कॉलेज इतने हैं कि एक लिखा होता है, एक भाई का एडमिशन लो दूसरे को फ्री, डॉक्टर भी हैं, लेकिन प्रेम करने वाले भी हैं। तो वही हम रस की ब्रज की जो धरती है, इसमें कुछ भी हो लेकिन प्रेम है। गौस, गौस। वो हमने फील किया है चेहरों पे जी। कहीं भी मुझे ऐसे देख के लोग परेशान होते तो कहते भाई देखो, बुरा नहीं मानोगे, हम एक बात पूछे, तुम क्यों आए? तो मैं उनको कहता था कि देखो, जैसे पानी सबका है, सही बात, वो दावा नहीं कर सकता है, हवा सबकी है, इसीलिए अल्लाह अल खल्कु कुल्लुहुम याद अल्लाह। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि सारी कायनात एक परिवार, तो इसीलिए निकले हैं। कृष्ण तो सबके हैं, उनकी मोहब्बत सबकी है। आनंद प्रकाश पांडे मथुरा से इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रज की भूमि पर प्रेम की बात कर रहे हैं लेकिन तस्वीरें वायरल होने के बाद मकसद पर सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये नंदगांव का विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से, देश विदेश से भक्त आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की और बलराम जी की, यहाँ पर श्री कृष्ण जी और बलराम जी विराजमान है, तो इसको लेकर लोगों में बहुत श्रद्धा है। लेकिन जिस तरह से 29 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे यहाँ जो घटना घटी, उसको लेकर मंदिर के जो सेवायत हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं और साथ ही साथ जो तमाम नंदगांव के वासी हैं, उनमें रोष है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर नमाज अदा करने की कोशिश की गई, हालांकि यहाँ के लोगों का लेकर नमाज अदा की गई एक नहीं की गई उनको कभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये वो सीढ़ियां हैं, उस दिन 29 अक्टूबर को 12:30 बजे इन्हीं सीढ़ियों के पास में यहां पर जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें 2 शख्स जो है, फैजल खान और चांद, मोहम्मद चांद, वो यहां पर नमाज की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो तस्वीरें सामने आई, ये कहा जा रहा है कि वो तस्वीरें भी खुद उन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पर डाली और उसको वायरल किया। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यहां के लोगों में, सेवादार में और जो सेवायत हैं और जो नंदगांव के तमाम जो निवासी हैं, खासे गुस्से में हैं। उनका कहना उनको अंधेरे में रखा गया। ये दोनों शख्स यहाँ पर आए थे, उन्होंने श्री कृष्ण जी का और बलराम जी के दर्शन किए थे और कहा था कि वो ब्रज की 84 कोस की जो परिक्रमा है उसको साइकिल से कर रहे हैं, लेकिन ये नमाज को लेकर इन लोगों को अंधेरे में रखा गया। और ये गेट नंबर 2 है जहाँ से लोग अंदर घुसे थे, और इस गेट के पास उस दिन श्रद्धालु नहीं थे, क्योंकि कोरोना के चलते श्रद्धालु कम आ रहे हैं और खासा प्रोटोकॉल है, इसलिए इस लिहाज से यहाँ पर उस वक्त श्रद्धालु भी नहीं थे। तो लिहाजा उन्होंने यहाँ पर नमाज अदा करने की कोशिश की। हमारे साथ मंदिर के जो सेवायत हैं वो हैं, आप लोगों ने बताया कि नमाज की जो घटना हुई थी उसके बाद मंदिर प्रांगण को गंगा जल से धोया गया, हमने देखा कि शुद्धिकरण का यज्ञ किया गया, लेकिन पूरी घटना घटी कैसे? आप लोगों से तो मुलाकात हुई होगी, फैजल खान की और मोहम्मद चांद की? नहीं, शुरुआत में जब वो यहाँ पे आए थे तो हमने उनकी जो वेशभूषा थी उससे समझ गए कि ये किसी अन्य धर्म से हैं। उनको बुला के बातचीत की, बातचीत में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात की, उन्होंने जो रामायण की चौपाई भी बोली और कृष्ण चरित्र रामचरित्र के बारे में भी बोला, तो हमने उनसे पूछा भी था
कि आप यहाँ पे किस तरह से क्यों आए हैं, तो बोले हमारे ब्रज में आस्था है, ब्रज से अपने प्रेम करते हैं और भगवान तो सभी के हैं, भगवान कृष्ण तो सभी के हैं, ये तो प्रेम के प्रतीक हैं, तो उसी भाव को लेकर के हम ब्रज यात्रा कर रहे हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है ब्रज में। तो ठीक है, दर्शन करके वो इस गेट की तरफ, क्योंकि उस समय पर क्या है कि जब भोग आते हैं तो मंदिर बंद हो जाता है, तो हम लोग सभी अंदर चले गए, प्रांगण में कोई भी नहीं था। अब उन्होंने बाद में क्या किया वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मालूम पड़ा है। उन्होंने क्या तस्वीरें भी अपनी दिखाई कि अभी पता चला कि उनके पास मोबाइल में तस्वीरें थी, वो दिखा रहे थे कि देखिए हम तमाम साधु संत से मिले हैं, हम महंतों से मिले हैं, क्या ये ऐसा दिखा, तस्वीरें दिखा के आप लोगों को झांसे में लाने की कोशिश की गई? देखिए बात यह है कि हम सद्भावना के प्रतीक हैं, रहीम और रसखान का उदाहरण हमारे समाज में है, कोई भी अगर हमारे धर्म में आना चाहता है तो हम बहुत उसका स्वागत करते हैं, और भगवान के प्रति अगर किसी की आस्था है, सनातन की शरण में कोई आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में उस दिन जो हमारे पुजारी कान्हा जी थे, उनको जब तस्वीरें दिखाई गईं और उन्होंने कहा कि 84 कोस की यात्रा 4 दिन से कर रहे हैं हम, और मदन टेर से हमने यात्रा शुरू की है, तो बहुत अच्छा लगा। कोई भी अगर आदमी हमारे धर्म में, हमारे ठाकुर जी के शरण में आ रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की भावना है, कोई भी आतिथ्य स्वीकार करे। उन्होंने प्रसाद भी दिया उनको, प्रसाद ग्रहण किया उन्होंने? नहीं, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, हाथ में था उनके, प्रसाद भी दिया उन्होंने और बात भी की। उन्होंने रामचरित मानस की चौपाइयों से उदाहरण दिया कि हम कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं और कृष्ण भक्त बन करके ब्रज में आनंद लेना चाहते हैं। क्या नमाज को लेकर उन्होंने कुछ कहा कि नमाज ये पढ़ना चाहते हैं? भी उन्होंने नहीं कहा, और ना इस, अगर ये मालूम ही होता तो आज आपको यहाँ आकर के इंटरव्यू नहीं लेना पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता था। फिर नमाज का तो पता ही नहीं चला है, जैसे ही उन्होंने, ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उन्होंने यहाँ पे नमाज के फोटो भी खींचे। गांव में पूरे में कल उल्टा सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है, तो धोया गया पूरे मंदिर को पंचगव्य के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा, अभी आपने देखा हवन यज्ञ किया गया, गंगा जल से धोया गया, जो रीति रिवाज होती है शुद्धिकरण की वो समस्त रीति रिवाजें की गई, और कल कान्हा गोस्वामी जी के द्वारा और सब सहयोगियों के द्वारा उनके खिलाफ FIR दर्ज भी कराई गई कि उन्होंने, हमारे दर्शन करने का कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन वो हमारे यहाँ आकर के नमाज नहीं पढ़ सकते, क्यों पढ़े? आपने FIR दर्ज कराई है 4 लोगों के खिलाफ, कब आपको इसके बारे में पता चला? मुझे कल इसके बारे में पता चला, कल मेरे पास में जब आप जब मीडिया के कुछ फोटोज़ वगैरह, किसी ने मेरे पास फ़ोन करके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे क्या चल रहा है कुछ पता कर, जब मैंने पता किया, जब मैंने देखा वो फोटोज़ देखे तो मैं खुद इसमें ताज्जुब में रह गया, ये फोटो, क्योंकि हमारे साथ में जो बात हुई थी उसमें एक फ़ोटो जो मेरे जो वीडियो है उस वीडियो को उसको साथ में अटैच करके उसको चलाया जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि मतलब सारे फोटोज़ एक साथ में करके, लेकिन हम उसके छल और धोखे को नहीं समझ पाए कि ये क्या मैटर है, क्या प्रोपगेंडा है इनका, कि किस तरह से यहाँ लोग करने आए। वीडियो दिख रहा है, वो हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे मंदिर प्रांगण में। जी मंदिर वीडियो में आप भी अगर उसको देखेंगे, वीडियोस आप करिए उसको, वीडियो को हाईलाइट, उसमें जो आप भी देखेंगे उन्होंने जिस हिसाब से हमसे बातें की हैं वो हमारे सनातन धर्म के प्रति इतने, उनके जो मन में जो उन्होंने जो हमारे सामने उन्होंने रखे कि हम कृष्ण प्रेम को पाने के लिए यहाँ आए, हमको कृष्ण से लगाव है, हम लोग 84 कोस साइकिल से, हम लोग पैदल परिक्रमा मतलब साइकिल से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, मदन टेर आए, मदन टेर हमको ब्रज में आके जितना प्रेम और सद्भावना हमें मिला है, हम प्रेम ढूंढने के लिए आए और वो प्रेम हमें यहाँ मिला है। तो जब आपको पता चला नमाज के बारे में, जब तस्वीरें आपने देखी, तो आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई? जी बिल्कुल, हमने कल रात्रि में ही इसको आके, हमने डायरेक्ट रात्रि में ही इसको FIR दर्ज कराई है हमने, और उसके प्रति हम चाहते हैं, सरकार से हम लोग चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस की जांच में अभी तक क्या सामने आया है, इस बारे में पता लग पाया और किस किस के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है? चाहते हैं ये हमारा जो नंद बाबा मंदिर है, ठाकुर जी की मेन लीला स्थली रही है, यहाँ हमारे कन्हैया घुटमन चले, ये वो ब्रज रज है, और यहाँ पे आके हमारी धार्मिक स्थली से, हमारे धार्मिक जो हमारे भक्त लोग हैं उनके मन से ठेस पहुंची है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं कि आगे कोई भी लोग, अन्य धर्म का लोग, अन्य कोई भी लोग हमारी इस संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाए। पुलिस ने कुछ बताया कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ? पुलिस ने अभी यही सहयोग दिया है कि आपने इसके बारे में कार्यवाही करो, और आप ना फिलहाल में यही समय था जिस दिन वो आए थे, अभी भी आप मंदिर का माहौल देखो, आज तो मीडिया कर्मी यहाँ आप लोग आए हुए इसलिए 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, बाकी पूरा मंदिर सुमसाम है, उस दिन भी यही नज़ारा था, सिर्फ मंदिर में यात्री परदेशी कोरोना की वजह से आ नहीं रहे, मंदिर सेवाएं अधिकारी रोज चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, तो उस दिन हमारे भाई कान्हा गोस्वामी की यहाँ सेवा थी, जो कि उनको वहाँ दर्शन करा के उनसे बातचीत करके वहीं की वहीं अंदर मंदिर में चले गए, उनको वहीं से भेज दिया, उन्होंने यहाँ आकर यहाँ बैठ कर किस प्रकार से वो फोटो खींचे, नवाज वगैरह यहाँ कुछ ऐसा पढ़ा नहीं गया, सिर्फ वो फोटो क्लिक करके ले गए, उनका क्या उद्देश्य था, किस प्रकार से वो हमको या बदनाम करना चाहते थे, क्या उनकी इच्छा थी, उनकी मनसा वो ही जाने।
अब आप लोग क्या एहतियात बरतेंगे कि आगे से ऐसी घटना ना हो? नहीं, अब तो ये है, अब हमें, आपने कहावत सुनी होगी, दूध का जला छाछ को ही फूंक फूंक के पीता है, तो उन्होंने जो हमारे जो जो नजर है, नजरिया है, वो हमारा अब उन्होंने खोल दिया है। वो आगे से हम लोग उनको इस हिसाब से, हमको जो भी है वो अपने हिसाब से काम होगा। एहतियात बरतेंगे आप लोग, सावधानियां बरतेंगे? नहीं होगी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो अब अभी उसी का प्रोपेगेंडा हम लोग बनाएंगे जैसे भी है उस हिसाब से, क्योंकि विदर्भ अपना जो यहाँ दर्शन का जो रास्ता था ना वो भी बंद कर दिया। अभी जो हमारी आत्मा को ठेस पहुंची है वो हमको ही मालूम है, क्योंकि जो हमारे आराध्य के मंदिर परिसर में लोगों का गुस्सा फिलहाल आप देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पुलिस से पूरे एक्शन, पूरे मामले पर एक्शन की बात भी कही जा रही है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त उसी परिसर में मौजूद है, उसी प्रांगण में मौजूद है, जिसका थोड़ी देर पहले शुद्धिकरण भी किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद।